अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको PSL सीजन 6 मैच नंबर 7 और 8 के बाद के लेटेस्ट अपडेट देंगे कि कौन सी टीम कितने पॉइंट्स के साथ किस पोजीशन पर है। पहला मैच था मुल्तान सुल्तान का और लाहौर कलंदर का, दूसरा मैच क्वेटा ग्लेडिएटर और पेशावर जलमी का। तो चलते हैं अब पॉइंट्स टेबल की तरफ और देखते हैं कि कौन सी टीम कितने पॉइंट्स के साथ किस पोजीशन पर है। नंबर 6 पर है क्वेटा ग्लेडिएटर। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने 3 मैच खेले हैं और बस किस पोजीशन से तीनों मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पॉइंट्स टेबल पर इसका स्कोर है 0। नंबर 5 पे है पेशावर जलमी। पेशावर जलमी ने भी 3 मैच खेले हैं, 2 मैच में फतह से हमकिनार हुई है और 1 मैच में शिकस्त पेशावर जलमी का मुकद्दर बनी है। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर जलमी का स्कोर है 4 पॉइंट्स। नंबर 4 पे है मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान ने अब तक 3 मैच खेले हैं, 1 मैच में मुल्तान सुल्तान को फतह नसीब हुई है और 2 मैच में मुल्तान सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मुल्तान सुल्तान के पॉइंट्स हैं 2। तो दोस्तों नंबर 3 पे है कराची किंग्स। कराची किंग्स ने अब तक 2 मैच खेले हैं, 1 मैच में फतह कराची किंग्स का मुकद्दर बनी है और 1 मैच में कराची किंग्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कराची किंग्स के भी टोटल पॉइंट्स हैं 2। और नंबर 2 पे है लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर ने 3 मैच खेले हैं, 2 मैच में लाहौर कलंदर को फतह हासिल हुई है और 1 मैच जो कि लाहौर कलंदर आज हारा है, तो उसके बाद लाहौर कलंदर के पॉइंट्स हो गए हैं 4। और नंबर 1 पर है इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 मैच खेले हैं और दोनों ही मैच जो है इस्लामाबाद ने जीते हैं और कोई मैच भी हारा नहीं है और इस्लामाबाद के टोटल पॉइंट्स हैं 4। तो ये थी लेटेस्ट पॉइंट की अपडेट। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।